हाय एवरीवन एंड वेलकम टू बिग ब्राउन किचन। और आज हम देखेंगे कि हम यूके स्टाइल फ्राई अप या फिर एक फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट घर पे कैसे बना सकते हैं। फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट एक बहुत ही लाविश ब्रेकफास्ट होता है जो यूके में लोग जनरली हॉलीडेज या वीकेंड्स पे इंजॉय करते हैं। तो फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट में इंक्लूड होता है बेक्ड बीन्स, सॉसेजेस, बेकन, सनी साइड अप, ग्रिल वेजिटेबल्स, फ्राइड या टोस्टेड ब्रेड और साथ में टी, कॉफ़ी या जूस। तो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और ये परफेक्ट टाइम है कुछ नया और इंटरेस्टिंग ट्राई करने का, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी एक मज़ेदार सा लाविश ब्रेकफास्ट इन्जॉय करें। तो मेरी आज की इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि हम इंडियन इन्ग्रीडियंट से एक फुल इंग्लिश वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट कैसे बना सकते हैं। तो आइए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ बेक्ड बीन्स, जिसके लिए एक पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच मक्खन लिया है। जैसे ही मक्खन गर्म हो जाए हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स और उसको अच्छे से भून लेंगे। फिर डालूंगी मैं 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सोया सॉस को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप और इन दोनों ही सॉसेस को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी सॉसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ओरिगैनो, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इन मसालों को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और फिर डालेंगे 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ टमाटर। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। जैसे ही आपको लगे कि जो टमाटर है वो भुन चुका है, उसमें से घी अलग हो गया है, इसके अंदर हम 1/4 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कप बॉयल्ड राजमा। बेक्ड बीन्स बनाने के लिए यूके में लोग कैंड बीन्स का यूज़ करते हैं, पर एज एन इंडियन इन्ग्रीडियंट मैं यहाँ पर राजमा डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह लोबिया भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और राजमा को हम 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो हमारी बेक्ड बीन्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। इनको हम साइड पे रख देते हैं और अब हम बनाते हैं सनी साइड अप का अल्टरनेटिव, जिसके लिए मैं एक बाउल के अंदर 1 कप सूजी ले रही हूँ। साथ में डालूंगी 1/2 कप दही, 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो जैसे कि आप सभी ने गेस कर ही लिया होगा, मैं यहाँ पर स्वीट कॉर्न उत्तपम बना रही हूँ एज एन अल्टरनेटिव फॉर सनी साइड अप। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ही चूज़ किया है, ना ही मैंने इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू और ना ही मैंने इसके लुक्स को कंसिडर किया है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जिससे हम सनी साइड अप की जगह इंग्लिश ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकें, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो इसी बीच हमारा रवा उत्तपम का बैटर भी तैयार हो गया है। इसको हम 10 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, सूजी सारा पानी सोख कर ले और फिर हम इसका उत्तपम बनाएं। जब तक बैटर सेट हो रहा है तब तक हम स्वीट कॉर्न प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बॉयल्ड स्वीट कॉर्न लिए हैं और इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्वीट कॉर्न भी हमारे तैयार हो गए हैं, इनको भी हम साइड पर रख देते हैं और अब हम चलते हैं उत्तपम बनाने के प्रोसीजर में, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। आप चाहें तो एक तवा भी यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए इसके ऊपर मैं 1 कड़छी सूजी का बैटर डालूंगी और उसको हमें चीले की तरह नहीं फैलाना है, बस थोड़ा सा फैलाना है जैसा कि आप देख सकते हैं। सूजी के बैटर को फैलाने के बाद इसके ऊपर जो हमने मसाला स्वीट कॉर्न्स प्रिपेयर किए थे वो हम इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। स्वीट कॉर्न्स को हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये उत्तपम के ऊपर से गिरे ना, और फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट तक हम उत्तपम को इसी तरह से पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद उत्तपम की हम साइड को चेंज कर देंगे और फिर उसके बाद हम इस पर ऑयल लगा लेंगे। उत्तपम के जिस तरफ हमने कॉर्न लगाए हैं वहाँ से आप इसको ज़्यादा ना सेकें, वरना जो कॉर्न है वो जल सकते हैं, तो उसके दूसरी साइड से ही आप उत्तपम को अच्छे से सेकें। क्योंकि हम हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं इसलिए मैंने सिर्फ स्वीट कॉर्न का यूज़ करा है, पर अगर आप थोड़ा सा फैट कंज्यूम कर सकते हैं तो आप इस कॉर्न उत्तपम को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं।
आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ या फिर थोड़े चीज़ स्लाइस के पीसेस डाल सकते हैं और इसे एक चीज़ कॉर्न उत्तपम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा स्वीट कॉर्न उत्तपम भी बनके तैयार है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब बारी आती है सॉसेजेस की। सॉसेजेस की जगह मैं यहाँ पर ग्रिल पनीर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर दो पनीर के पीसेस लिए हैं। थोड़ा सा ग्रिल पैन पे ऑयल लगाकर मैं इन दोनों ही पनीर पीसेस को अच्छे से ग्रिल कर लूँगी। ग्रिल पैन को अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को कम रखा हुआ है और फिर मैंने पनीर पीसेस को उसके ऊपर डाला है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे। एक से दो मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो पनीर है वो ग्रिल हो चुका है। इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और वहाँ से भी हम इसको अच्छे से ग्रिल कर लेंगे। पनीर की दूसरी साइड पे भी हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। और फिर जैसे ही पनीर अच्छे से ग्रिल हो जाए इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब बारी आती है ग्रिल वेजिटेबल्स की। ग्रिल वेजिटेबल्स में मैं यहाँ पर बीन्स और टमेटोज़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मशरूम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया है और उसको मैंने बीच में से कट करके उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ग्रिल पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम टमाटर को इस तरह से पैन के ऊपर रख देंगे और जो फ्रेंच बीन्स हैं उनको भी हम रफली चॉप करेंगे और ग्रिल पैन के ऊपर रख देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्रिल कर लेंगे। जो फ्रेंच बीन्स हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा चलाते रहें ताकि वो अच्छे से रोस्ट हो जाएं। दो से तीन मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो टमाटर है उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा ग्रिलिंग इफेक्ट आया है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो फ्रेंच बीन्स हैं उनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। सर्व करने से पहले आप टमेटोज़ और फ्रेंच बीन्स के ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल करें और ये टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम बना रहे हैं टोस्टेड ब्रेड, जिसके लिए एक पैन में मैंने थोड़ा सा मक्खन गरम किया है। जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाए इसके ऊपर मैं एक वाइट ब्रेड स्लाइस रख दूंगी और लो फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से टोस्ट करूंगी। जब भी आप ब्रेड को लो फ्लेम पे सेकते हैं तो वो क्रिस्प होके निकलता है और अगर हाई फ्लेम पे सेकते हैं तो वो सॉफ्ट रह जाता है। तो ब्रेड को अच्छा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे सेका है। ब्रेड की ऊपर वाली साइड पे हम थोड़ा सा बटर लगा लेंगे और एक से दो मिनट के बाद हम ब्रेड की साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। दो से तीन मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो ब्रेड है वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारी इंग्लिश ब्रेकफास्ट की सारी डिशेस बनके तैयार हैं। अब हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट ली है। इसके अंदर मैंने ग्रिल वेजिटेबल्स, पनीर और बेक्ड बीन्स यानी कि हमारे राजमा इस तरह से सर्व किए हैं। साथ ही में मैं सर्व कर रही हूँ रवा उत्तपम, टोस्टेड ब्रेड और ऑरेंज जूस। तो हमारा फुल इंग्लिश वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट विद इंडियन इंग्रेडिएंट्स बनके बिल्कुल तैयार है और ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ही बढ़िया है। फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट को एक वेजिटेरियन फॉर्म में बनाना विद इंडियन इंग्रेडिएंट्स का ये मेरा एक तरीका है। अगर आप इसके अंदर कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपने सजेशंस और फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आप चाहें तो मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो एंड आई विल मीट यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।